आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड अपन कैसे बना सकते हैं, यानी कि अपन आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहां पे देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आधार कार्ड पीवीसी कार्ड बनाने के लिए अपने को यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर सर्च में अपने को यहाँ पर लिखना है UDI। जैसे लिख के अपने को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे अपन सर्च करेंगे तो अपने को यहाँ पे आधार कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे अपने सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कुछ अपने पास इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, इसमें अपने को यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसमें अपने आधार से संबंधित बहुत सारी सेवाएँ हैं। तो उसके साथ में अपन अगर आपने आधार कार्ड कहीं अपडेट किया है तो उसके यानी कि उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आधार कार्ड पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। आधार कार्ड अगर आपने आधार कार्ड पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर किया है तो उसका भी स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आधार के साथ में और भी बहुत सारी यहाँ पे सेवाएँ हैं। आधार को लॉक अनलॉक कैसे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कौन सा है कैसे अपन देख सकते हैं। तो इसमें अपन कोई भी जानते हैं। फिलहाल अभी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं पीवीसी कार्ड अपन को कैसे यहाँ पे ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर आधार पीवीसी पे अपने को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपन आधार पीवीसी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का अपने सामने यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें अपने को देखिए आधार डाउनलोड आधार आधार नंबर वेरीफाई मोबाइल नंबर VID जनरेटर लॉक आधार या फिर अनलॉक आधार। तो अपने को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें अपने को यहाँ पे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आधार ऑर्डर पीवीसी पे क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आप आधार कार्ड नंबर से भी पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और या फिर इनरोलमेंट आईडी के साथ भी अपने यहाँ पे आधार को ऑर्डर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आधार नंबर से ही पीवीसी कार्ड को यहाँ पे ऑर्डर करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, जैसे आधार नंबर कहीं खो गया, आपने कहीं आधार कार्ड पहले बनाया है और आपके पास ओनली उसका स्लिप है पीवीसी कार्ड है, तो उसकी वजह से उसके साथ भी अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो अपने यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के और उसके बाद में अपने को यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे अपने यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और अपने को कोई अगर आपके पास कोई आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप कोई भी आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे जो भी आधार नंबर लिंक है वो मैंने डाल दिया। और अपने को यहाँ पे जैसे नंबर डालने के बाद सेंड OTP क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ पे OTP आ जाएगा। कैप्चा कोड यहाँ पे रॉन्ग हो गया है तो मैं अभी यहाँ पे कैप्चा कोड वापस यहाँ पे डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP क्लिक करेंगे तो अभी जो भी आपका आधार कार्ड में जो भी आपने नंबर वहाँ पे दिया है उस नंबर पे अपने को यहाँ पे OTP आ जाएगा और OTP यहाँ पे फिलअप कर लेना है 10। जैसे OTP क्लिक करेंगे अपने को टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेस करना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो अभी ये पूछ रहा है कि कुछ रीजन की वजह से आपका आधार कार्ड वगैरह डेटा का यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है और अगर आपको यहाँ पे आधार नंबर वगैरह शो नहीं करने को होगा तो उसके बाद में अपन यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक कन्फर्म करने के लिए बोलेगा अपन, तो यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। और अभी देखिए एकदम नीचे अपने को यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मेक पेमेंट पे अपन क्लिक करेंगे तो उसके साथ में आप यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपको 50 रुपये। आपको पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए ओनली 50 रुपये यहाँ पे करने हैं, वो भी UPI से, आप नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर UPI से करूँगा। तो जैसे UPI करेंगे तो उसके साथ में अपने को बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाएंगे। तो उसमें अपने को कौन से यानी कि UPI ID यहाँ पे डालना है और उसके बाद में पेमेंट को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। तो उसके साथ में जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे डन हो जाएगा और आपका PVC कार्ड 7 से 8 दिन में अपने बाय पोस्ट अपने घर पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एक बार वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।